नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि लेखपाल की बंपर भर्ती की सूचना फाइनली जारी हो चुकी है। जी हाँ, काफी समय से काफी कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे थे लेखपाल की बंपर भर्ती का, तो फाइनली वो सूचना जारी हो चुकी है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो दोस्तों आपको बता दें, लेखपाल में जो भर्ती निकाली जा रही है, इस साल 2020 की बंपर भर्ती होने जा रही है, क्योंकि यहां पर जो पदों की संख्या है वो है 8000 टोटल पद। जी हाँ, 8000 पदों पर ये बंपर भर्ती होने जा रही है, और आवेदन कब से शुरू होंगे इसका सभी को इंतजार है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो जानकारी, वो तिथि के बारे में जब से आवेदन शुरू होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम आपको लेखपाल की बंपर भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी है लेखपाल की इस बंपर भर्ती के लिए। जी हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी, सिलेबस क्या होगा, कब से कब तक आवेदन चलेंगे, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपके मन में काफी सारे सवाल पैदा होंगे और आप बार बार में कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देंगे, तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको वैकेंसी की पूरी जानकारी हो। और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल या शंका हो, अगर आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं दिल से कि सरकारी नौकरी आपको मिल जाए, तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि लेखपाल की ये बंपर भर्ती की पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, तो आपके दोस्तों को भी इस जानकारी को मिलना चाहिए, ताकि वो भी इस भर्ती की तैयारी कर सके, आवेदन कर सके। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और रोजाना हमारे चैनल के माध्यम से सरकारी नौकरी खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा दें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लेखपाल की बंपर भर्ती की। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेखपालों के 8000 पदों पर एक साथ भर्ती की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जी हाँ, चलिए आपको सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं, जहां पर आपको भर्ती की पूरी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए गूगल में सर्च करना होगा sarkaritodaynews.com। जी हाँ दोस्तों, sarkaritodaynews.com जैसे ही आप सर्च करेंगे, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि ये जो वैकेंसी निकाली जा रही है लेखपाल की, ये कौन से राज्य से, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से, कौन से डिपार्टमेंट में से निकाली जा रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, UP SSC द्वारा ये भर्ती निकाली जाती है, उत्तर प्रदेश सबोर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ये भर्ती निकाली जाती है, जो कि यूपी रेवेन्यू बोर्ड डिपार्टमेंट द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कौन कौन सी भर्ती है और कितनी कितनी पोस्ट है। तो लेखपाल की जो वैकेंसी है उसके लिए 7019 पद है। वहीं बात करते हैं दूसरी पोस्ट की, तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट है, टोटल वैकेंसी इसकी है 1073। वहीं तीसरी पोस्ट की बात करते हैं तो सीनियर असिस्टेंट पोस्ट है, जो कि टोटल 53 पोस्ट है। और चौथी पोस्ट जो है जूनियर असिस्टेंट की है, 104 पोस्ट है। टोटल भर्ती यहां पर आप देख सकते हैं 8000 पदों पर बंपर भर्ती है। ठीक है, आवेदन केवल आपको ऑनलाइन ही करना होगा। इस भर्ती के लिए दोस्तों आपकी आपका जो है लिखित परीक्षा भी होती है, और साथ ही साथ आपका इंटरव्यू भी लिया जाता है, दस्तावेज चेक भी किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपकी लिखित परीक्षा भी होगी, उसके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी, और आज से ही तैयारियों में लग जाए। जी हाँ दोस्तों, वो दिन जो है दूर नहीं है कि आपका एग्जाम कुछ ही दिनों में होने वाला है, भर्ती प्रक्रिया भी पूरी जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। तो आज से ही आप तैयारियों में लग जाएं, अगर आप चाहते हैं, आपका लक्ष्य है कि यूपी लेखपाल में सिलेक्शन पाना, तो आज से ही आपको तैयारियों में लगना होगा। जी हां, यहां पर सैलरी की बात करते हैं तो 21,700 से लेकर लगभग 70,000 रुपए प्रतिमाह आपको वेतन मिलता है, और उत्तर प्रदेश की जॉब लोकेशन रहेगी। एज लिमिट, उम्र सीमा जो है कम से कम 18 वर्ष रहेगी, कम से कम 18 वर्ष के होना अनिवार्य रहेगा। अगर आप 18 वर्ष के होंगे तभी आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन योग्यता 12वीं पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर पाएंगे, और ग्रेजुएट पास भी, अगर आप स्नातक पास होंगे किसी भी सब्जेक्ट में तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, इसकी सूचना जारी हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये न्यूज आर्टिकल पूरा आ चुका है। UP SSC की तरफ से यहां पर चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर जो है आप देख सकते हैं रिक्त पदों के लिए यहां पर जो है डाटा मांगना शुरू कर दिया है, और जल्द से जल्द यहां पर आवेदन शुरू होने वाले हैं। आपको बता दें, यहां पर बताया जा रहा है कि आपके आवेदन
आवेदन जो है अक्टूबर से शुरू होंगे, नवंबर तक चलेंगे, ठीक है। तो नवंबर तक आपके आवेदन चलेंगे और आपकी जनवरी में एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही है। तो जनवरी में आपकी एग्जाम भी होगी और कुछ ही समय बाद में आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। और आपको बता दें मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक में आपकी जो है अपॉइंटमेंट भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर आपको आज से ही तैयारियों में लगना होगा क्योंकि यहां पर सारी बातें लिखी हुई है। आप चाहे तो इस न्यूज को पढ़ सकते हैं। अगर आप भी इस न्यूज को पढ़ना चाहते हैं तो आपको नीचे जाना होगा और यहां पर डाउनलोड न्यूज सोर्स पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आप न्यूज सोर्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप यहां पर जाकर के जानकारी ले सकते हैं। आवेदन इसके कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले पता चले आवेदन कैसे करना है, आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।